हाय फूडीज, कैसे हैं आप? कुक विद फूडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर बनाएंगे घर में, जो बहुत ही सिंपल है। तो आइए हम शुरू करते हैं चिली पनीर बनाना। चिली पनीर बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पनीर ली है। उसमें हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे पहले एक बोल में। और 2 बड़े चम्मच मैदा है, ये दोनों बराबर मात्रा में लेंगे। और चौथाई छोटा चम्मच अजीनोमोटो है, चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च और आधा छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच विनेगर और थोड़ा सा खाने वाला ऑरेंज कलर 1 चुटकी। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल बाजार जैसा हमारी चिली पनीर बनके तैयार होगी कलर में भी। और 1 बड़ा चम्मच हम टमाटो केचप डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बिल्कुल पकौड़ी जैसा हम घोल तैयार करेंगे। बहुत पतला घोल हमें नहीं तैयार करना है। और इसमें कोई भी लम्स ना रहे, तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको। देखिए, हमारा बैटर तैयार हो गया। हमें इतना ही गाढ़ा रखना है। अब इसमें हम पनीर के पीसेस डाल देंगे। इसको हल्के हाथ से हम फोल्ड कर लेंगे, इससे हमारी पनीर टूटे नहीं। हम हाथ से ही कर लेते हैं, जो बैटर है वो पूरा पनीर पे चिपक जाए अच्छे से। अब हम ऑयल चढ़ाते हैं। ऑयल हमारा तेज गरम हो गया है। अब इसमें 1-1 पीस हम पनीर के निकालेंगे और उसको डीप फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम पलटेंगे क्योंकि उस साइड से ये पक गया है। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डालते रहेंगे जिससे ऊपर से भी पक जाए, फिर ये आपस में चिपकेंगे नहीं। देखिए, हमारी पनीर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं जाली पे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इसका। अब जो हमारा ये घोल बचा हुआ था, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसमें हम और चीज़ें ऐड करेंगे। ऑरेंज कलर जो बचा हुआ था 1 पिंच वो, काली मिर्च 1/4 छोटा चम्मच, अजीनोमोटो 1/4 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, नमक हम उतना डाल देंगे जितना हम पूरी पनीर में डालेंगे, विनेगर 1 छोटा चम्मच, सोया सॉस 1 छोटा चम्मच और इसको पानी डाल के हम एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। हमें इतना पतला रखना है घोल को और अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब हम लोहे की कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 8-10 बारीक कटे हुए लहसुन की कलियां हैं वो डाली है और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। ये सब हमें तेज आंच पे करना है। 3-4 हरी मिर्चें लंबी पीसेस में हमने काट के रखे थे वो डालेंगे। चिली पनीर है तो हरी मिर्च तो जरूर पड़ेगी, तभी तीखा बनेगा। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च है जो क्यूब साइज में हमने काट लिया है उसको डालेंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज है उसको भी हमने क्यूब्स में निकाल के काटा है उसको भी हम डाल देंगे। ये सब हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस सौते ही करना है थोड़ा सा और ये सब हम हाई फ्लेम पे करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक हम और डाल देंगे। क्योंकि हम ज्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हम घोल में डाल चुके हैं नमक, इसलिए थोड़ा ही सा डालेंगे तो समाई सब्जियों भर का। जब हमारी सब्जियां सौते हो गई है अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और जो घोल हमने बना के रखा था उसको हम डाल देंगे और इसको तुरंत चलाएंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। बराबर से चलाते रहेंगे। देखिए अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हमने जो पनीर फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट ऐसे ही हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे। अब इसमें हमने हरे प्याज की पत्तियां ऊपर से हम डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल टेस्ट में रेस्टोरेंट जैसी बन के तैयार होती है। दोस्तों हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको आप गर्मा गर्म फ्राइड राइस है हक्का नूडल्स के साथ सर्व करिए। दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और आप मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।